हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डांसर सनी आर्य चैनल। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं, और काफी सालों से मैं यूट्यूब पे डांस सिखाता हूं और मैं रहता हूं गाजीपुर जिला में। और ऐसा नहीं है, हर एक जिले से लोग हमारे वीडियो देखते हैं और बहुत ही मुझे सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग के पास इतना डांस सीखने की चाहत रहता है कि मुझे बताए बिना यहाँ पे चले आए थे। और दो तीन दिन से थोड़ा सा मेरे घर में किसी का तबीयत खराब था, मैं वहां पे था। और चलिए डायरेक्ट उनसे मिलाता हूँ। आइए यहाँ पे, क्या नाम है आपका? गौतम। तेज बोलो। गौतम कुमार। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी जिला। ये कहाँ पड़ता है? सीतामढ़ी जिला, ये डुमरा थाना। जो ये मुझे भी नहीं पता है, और मतलब कैसे मुझे जानते हो आप? मैं 5 साल पहले से आपका वीडियो पसंद कर रहा हूँ, खूब मैं मतलब देख रहा हूँ। डांस में मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए मैं वहाँ से मतलब धीरे धीरे से आन होते और देखते देखते वीडियो, तो वहाँ से हम सोचे से मतलब वहाँ जाए गए। तब के लिए जैसा कि 5 साल पहले से तुम वीडियो देखते थे और तुम्हारा मन था कि हमसे डांस सीखो। हाँ। और बच्चा थे वही टाइम में, तो आ नहीं पाया वही के लिए। उम्र कितना तुम्हारा? अभी उम्र 16 साल। 16 साल है तो अभी भी तो बच्चा ही है यार। 16 साल है तो वही टाइम 5 साल पहले और छोटा रहा था। वाह, 5 साल पहले वही 12-13 साल का रहा। वीडियो देख देख कर डांस सीखे। अच्छा, तो यार कितना कितना घंटा लगा यहाँ पर आने में? यहाँ पर तो हम कल 2 बजे निकले। और यहाँ कितने बजे पहुँचे हो? यहाँ पर 4 बजे शाम को। और कब तक यहाँ पर मेरे क्लास में? कब आया था? 4 बजे यहाँ पर पहुँचे और बैठ के 1-2 घंटा। जैसा कि ये कल का 2 बजे निकला है और शाम को 4 बजे यहाँ पर, कैसे मतलब डायरेक्ट मेरी क्लास में कैसे आओ? पूछते पूछते आए, पूरा रास्ता गाजीपुर भी नहीं हमको पता था, पूछते पूछते आए हैं। पूछते पूछते यार कितनी दिक्कत होती है लोगों को, और इन लोगों का इतना प्यार रहता है कि मुझे सपोर्ट करते हैं। और इसी प्यार की वजह से मोबाइल चार्ज करो, इसी प्यार की वजह से मैं टूटू रहे, व्यूज आए ना आए, लोगों का प्यार तो मिल रहा है। और बहुत अच्छा लगा। तो रूम तो मिला नहीं अभी इनको, आज रूम नहीं मिला है। और टाइम कितना हो रहा है मोबाइल का? टाइम कितना हो रहा है? 7:14 जो मतलब 7:30 मान लो हो चुका है। तो रहने का तो कोई जुगाड़ नहीं है अभी ना, तो रूम लेकर रहोगे। और दोस्तों बता दूं, आप लोग कहते हो कि सनी भाई आपके यहाँ डांस सीखना चाहते हैं, ये खुद आए हैं। रूम भाड़ा कम से कम 2,000 रुपये आएगा, 1,000 रुपये मैं चार्ज लेता हूँ, हो गया 3,000 रुपया। रहोगे यहाँ पे, खाओ पियोगे कि नहीं खाओगे? पानी पीने तो कोई रहेगा नहीं, कम से कम महीने में 6-7 हज़ार रुपया आपका उठ जाएगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने जिले में सीखिए। तो ये क्या रहेंगे? ये मैं मतलब अपने जिले में सीख रहे थे तो वही। अच्छा, ये कुछ पुरस्कार इसको मिला, चलिए इसको भी मैं दिखाता हूँ डांस के ना। ये देखो बिहार पुलिस, मतलब यहाँ पे डांस किए थे गौतम कुमार सीतामढ़ी। देखो तो हाँ, और ये तो तुम्हारे पास 200 डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है, ये टेंथ क्लास का मार्कशीट है। तो चलिए सब कुछ देख लिया हूँ। और कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपको? कुछ खा पी है कि नहीं? कुछ भी नहीं खाती हो? ना खाए पी नहीं। दोस्तों ये आए थे हमारे चाचा से फ़ोन करवाते ना, मेरे चाचा से फ़ोन करवाते कि सनी एक लड़का है आपसे मिलने के लिए, बट मैं हॉस्पिटल में था और मैं आया नहीं होता, बस इनके वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि देखो कोई आता है मुझसे मिलने के लिए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको टाइम दूँ। तो इनसे मैं मिला हूँ और इनका रहने का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ अभी ना। गौतम और पापा क्या नाम है? मम्मी का? मंजू देवी। चलिए मैं आपकी मम्मी से बात कर लूँगा, सबसे फैमिली में सबसे बात कर लूँगा, बट घर बता कर आया हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसे की एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं हो सकूँगा जितना ज़्यादा इनको टाइम दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, क्योंकि वो उतने दूर से आए हैं। तभी भी कितना किलोमीटर पड़ेगा? 400 किलोमीटर यार बहुत दूर होता है। कल निकले तो आज पहुँचे, कल आज पहुँचे हो ना। चलो ठीक है, तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। और आप लोग कभी भी आइए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, या तो आते हो तो स्टोरी लगा दिया करो कि सर मैं आ रहा हूँ मिलने आपसे गाजीपुर, तो मैं आप लोग का रहने का व्यवस्था कर दूंगा। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ डांस सिखाने का बस व्यवस्था है, और मेरा उतना बड़ा डांस क्लास नहीं है, बस मेरे अंदर टैलेंट है, मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को पसंद आता है, लोग अपने दिल में मुझे बसाए, इसी तरह बसाए रहिएगा। और थैंक यू आप आए यहाँ पे। और वीडियो देखी है हमारी? आप देखी है? अच्छा।
ठीक है ठीक है, तो ठीक है रखते हैं, काटना मत। तो दोस्तों अभी इसके मम्मी से बात कर रहा था, आओ इधर आओ। तो ये बहुत ही मतलब मिडिल क्लास के हैं, तो गरीबों की मजबूरी क्या होती है, मुझसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानेगा। बट ये बताओ उतने दूर से आया है, 3000 रुपया लिया है, 3000 रुपये में क्या करेगा बताओ। और इसके पापा गाड़ी चलाते हैं, अभी इनके मम्मी, इन्हीं के मम्मी से मैं बात कर रहा था, बता रहे हैं कि पापा का तबीयत खराब है और जमीन बेचने। देखो मम्मी बताओ जिद घर पर पता क्या होगा, देखो इनका मन है कि डांस सीखेंगे तो हम ही से डांस सीखेंगे। और मैं इतना मैं जब डांस सिखाऊंगा तो मैं इनसे फीस नहीं लूंगा, बट ये है कि ये रहेंगे कैसे, वो 3000 रुपये में तो गुजारा नहीं ना कर पाएंगे। मान लो मैं 1000 रुपये फीस छोड़ दे रहा हूँ, फिर खाने पीने का तो पैसा लगेगा ना, वो तो मेरे घर का है नहीं ना, क्योंकि मैं खुद खरीद कर खाता हूँ। तो चलिए इनको देखते हैं, आज रात भर रखते हैं, कल हो सके तो इनको भेज देंगे घर पे इनके, और कुछ नहीं। और ये चलिए मिलते हैं सुबह में,